हाथरस से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सीबीआई ने पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से पूछताछ की है। 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद में सीबीआई ने तीनों को छोड़ दिया है। स्थानीय पुलिस परिवार के लोगों को लेकर गांव पहुंच चुकी है। 7 घंटे की लंबी पूछताछ चली, आपको बता दें स्थानीय पुलिस परिवार के लोगों को लेकर गांव पहुंची है। पीड़िता के पिता उसके दोनों भाइयों से पूछताछ की गई है। जाहिर तौर पर कई बड़े सुराग हाथ लगने के बाद भी सामने आ रही है कि कई बड़े सबूत इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई के हाथ लगे हैं। 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद में सीबीआई ने तीनों को आखिरकार छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने घंटों तक लंबी चौड़ी पूछताछ चली है, कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई होंगी, कई ऐसे सुराग निकलकर सामने आए होंगे जो इसको केस को बहुत ज्यादा क्लियरिटी देने के लिए काफी होंगे। क्योंकि जाहिर तौर पर परिवार के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि भाई की तरफ से, माँ की तरफ से, पिता की तरफ से तमाम बार ऐसी बातें थी, ऐसे बयान थे जिनको पलटा गया था। कहा जा रहा था लगातार कि बयानबाजी क्यों पलटी जा रही है, बार बार जब पुलिस स्टेटमेंट लेती है तो वो डिफरेंट क्यों सुनाई देता है। इसीलिए परिवार के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे कि अलग अलग बयान हर बार हर परिवार वाले की तरफ से अलग अलग बातें निकलकर क्यों आ रही थी। इसके साथ ही पीड़िता के भाई और आरोपी संदीप के बीच में 1 साल में हुई कई घंटों की लंबी बातचीत का खुलासा भी सीडीआर के द्वारा किया गया था। कॉल डिटेल्स जब निकल कर आई तो वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि पीड़िता का परिवार बार बार यही कह रहा था कि उस परिवार से, यानी कि उस आरोपी से और उसके परिवार से पीड़िता के परिवार का कोई भी संबंध नहीं था। तो इतने घंटों तक बातचीत का आखिरकार क्या मतलब रहा, क्यों ये बातचीत हुई, क्या वजह थी और पीड़िता के भाई की तरफ से ये डिटेल्स क्यों नहीं दी गई थी, ये बड़े सवाल थे जो खड़े हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप R9 टीवी पर देख पा रहे हैं। पिता और दोनों भाइयों से पूछताछ के बाद में जो लोकल पुलिस है, यानी कि स्थानीय पुलिस है, वो इन तीनों को वापस हाथरस लेकर पहुंची हुई है। आपको तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं। सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, तीनों पिता और दोनों भाई पहुंच चुके हैं गांव, सीबीआई ने 7 घंटे लंबी पूछताछ की है, बड़े खुलासे हो सकते हैं? जी सृष्टि, अभी भी सीबीआई ने उनको छोड़ा है और जो स्थानीय पुलिस है वो उनको लेकर अभी अभी गाँव में पहुंचे हैं और 7 घंटे तक उनसे लगातार तमाम पहलुओं पर सीबीआई ने पूछताछ की है। अभी हमारी जो घरवाल है उनसे बात नहीं हो पाई है, जैसे ही बात होती है तो ये भी पता चलेगा कि सीबीआई ने आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन थे जिन पर बहुत ज्यादा जोर दिया और क्या उनसे पूछा। जी सृष्टि, बिल्कुल जाहिर तौर पर। और देवेंद्र, कहीं ना कहीं जो कॉल डिटेल्स लेकर कर आई थी परिवार की तरफ से, बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो बेहद महत्वपूर्ण थे, लेकिन बार बार उसमें तब्दीली देखी जा रही थी। इन सब मुद्दों को लेकर माना जा रहा है कि सीबीआई ने जरूर ड्रिल करने की कोशिश की होगी, क्योंकि एसआईटी ने भी पहले इन्हीं मुद्दों पर बातचीत की है। संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, लेकिन जो सवाल है उसे पूछना भी जरूरी है, उसी के आधार पर निष्कर्ष पर सीबीआई अपनी रिपोर्ट दे पाएगी। देवेंद्र जी, निश्चित रूप से सृष्टि बिल्कुल सही है और तमाम तरह के इसमें उतार चढ़ाव आए, पूरे केस में तमाम तरह के विरोधाभासी बयान भी आए और जो कॉल डिटेल निकल के आई उस पर भी निश्चित रूप से सीबीआई ने चिंता की होगी, लेकिन ये कंफर्म तो तभी हो पाएगा जब किसी परिजन से बात हो, क्योंकि अभी अभी पुलिस। बिल्कुल, चलिए ठीक है देवेंद्र, आप लगातार नजर बना रखिएगा, हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।